सो हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज मैं कल्याणी प्रिया दर्शन की एक पोर्ट्रेट ड्रॉ करूँगा। साइड फेस है, जो आउटलाइन है वो मैंने ग्रिड मेथड से ड्रॉ किया है। जो रेफरेंस है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, वहाँ से आप उसको फॉलो करके डाउनलोड कर सकते हो ईजीली। तो पिछले वीडियो में मैं बताया था कि मैं खुद का एक स्टाइल डेवलप करना चाहता हूँ, तो मैंने उस पर काम भी किया है। लेकिन रिसेंटली मैंने, अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हो तो आप लोगों को पता होगा कि रिसेंट मैंने एक लियोनार्डो डी कैप्रियो का एक स्केच मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर किया था, और वो बहुत ही बेकार हुआ था। और उसका जो वीडियो है वो भी मैंने ड्रॉ किया था, मतलब वो भी मैंने रिकॉर्ड किया था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो गया कि मैं उसको यूट्यूब पर अपलोड करूं, तो मैंने उसको ज़बरदस्ती अपलोड नहीं किया। सो फिर मैंने सोचा कि मुझे और भी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो मैंने तो मैं प्रैक्टिस तो करता हूँ, लेकिन वो अभी रिकॉर्ड नहीं करता क्योंकि वो अभी उतना ख़ास नहीं होता। मेरे को ही उतना अच्छा नहीं लगता कि मैं ऐसी ड्राइंग्स को कैसे शेयर करूँ। तो अगर आप लोग वो ड्राइंग्स देखना चाहते हो तो मेरे इंस्टाग्राम पर आप मेरे को फॉलो कर सकते हो। मैं स्टोरी पर वो ड्राइंग्स शेयर करता हूँ ताकि आप लोगों को भी दिख सके कि मैं भी कितना बेकार ड्राइंग ड्रॉ करता हूँ। तो मैंने सोचा कि अभी रियलिस्टिक ड्राइंग्स ही मैं अपलोड करूँ, और आगे जाके अगर प्रैक्टिस की जो रिजल्ट्स है वो अच्छा निकलता है तो मैं आगे जाकर वो जो भी मैं अपना जो स्टाइल डेवलप करूँगा वो मैं आगे जाके शेयर करूँगा। तो अभी मैं रियलिस्टिक ड्राइंग से अपलोड करूँगा जैसे मैं अभी तक करता आया हूँ। तो ये ड्राइंग मैंने रिसेंटली इंस्टाग्राम पर एक्सप्लोर पेज पर मैंने एक ये फ़ोटो देखा था, तो मैंने सोचा कि अभी तक मैं फ्रंट फेसेस ही ज़्यादातर करता है, वो फ्रंट फेसेस या फिर जो फिगर ड्राइंग्स है तो वो मैं ज़्यादातर करता हूँ। और रिसेंट मैंने बहुत सारी ड्राइंग्स भी करी, सारी जो पहन कर जो गर्ल्स है उनका ड्राइंग्स मैंने ज़्यादा किया है। तो मैंने सोचा कुछ अलग करते हैं इस बार, तो मैंने इस बार साइड फेस को चूज़ किया है। साइड फेस ड्राइंग करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन अगर जो ग्रिड मेथड है अगर उससे ड्रॉ किया जाए तो उतना डिफ़िकल्ट नहीं लगता। ग्रिड मेथड से आउटलाइन ड्रॉ करना बहुत ईजी है कंपेयर टू फ्री हैंड ड्राइंग करना, लेकिन ग्रिड मेथड पर स्टक होके रह जाना वो एक आर्टिस्ट के लिए बहुत ही बेकार हो सकता है आगे जाकर। मैंने पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि अगर कोई आर्टिस्ट हाइपर रियलिज्म में नहीं जा रहा और वो अपना खुद का स्टाइल या फिर अपने आर्ट को डेवलप करना चाहता है तो उसको ग्रिड मेथड पर ज़्यादा दिनों तक नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ग्रिड मेथड एक कंफर्टेबल पोजीशन हो जाता है एक आर्टिस्ट के लिए, और उसको वो कंफर्ट जोन छोड़कर निकलना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो मैं भी वही कर रहा हूँ। मैंने पिछले 4-5 सालों से मैं ग्रिड मेथड से ही ड्रॉ कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने ग्रिड मेथड पर ही रिलाई होकर रखा है। मैंने बीच में बहुत कुछ ट्राई किया है, लाइक एनिमे ड्राइंग्स, फिगर ड्राइंग्स, एनाटॉमी। तो
अगर सेल्फ टॉट आर्टिस्ट होता है तो उसको एनाटॉमी के बारे में उतना ज़्यादा कुछ मालूम नहीं होता, अनलेस कि उसको ज़्यादा इंटरेस्ट है एनाटॉमी में। तो मुझे तो उतना इंटरेस्ट नहीं है, तो अभी मैं सीख रहा हूँ कि एनाटॉमी और बेसिक्स जो है। लुमिस मेथड मेरे को काफ़ी हद तक आ जाता है लुमिस मेथड में फेस, लेकिन जो साइड फेसेस है वो मेरे को लुमिस मेथड में नहीं आता उतना। फ्रंट फेसेस काफ़ी हद तक आ जाता है, लेकिन जो रियलिस्टिक ड्राइंग्स मैंने अभी तक किया है, मैंने कभी भी फ्री हैंड मेथड से ट्राई नहीं किया रियलिस्टिक ड्राइंग्स, क्योंकि रियलिस्टिक ड्राइंग्स में जो डिटेल्स होता है वो मैं फ्री हैंड ड्राइंग के मदद से जो आउटलाइन है उससे मैं नहीं ला पाता उतना अच्छे से, और रियलिस्टिक ड्राइंग्स में टाइम भी बहुत लगता है। तो जो मेरा इनिशियल थॉट होता है तो वो होता है कि अगर टाइम ही देना है, इतना टाइम जा ही रहा है, तो क्यों ना मैं आउटलाइन के ऊपर थोड़ा काम करूँ और ग्रिड मेथड से ही ड्रॉ करूँ। तो ये एक माइंडसेट हो जाता है, एक कंफर्ट जोन हो जाता है, कंफर्टेबल पोजीशन हो जाता है कि अगर कोई एक चीज़ किसी एक तरीके से हो जा रहा है तो दूसरा कुछ क्यों ट्राई करे, और इतना इजी भी है तो दूसरा कुछ क्यों ट्राई करे। लेकिन ये चीज़ एक आर्टिस्ट की जो ग्रोथ है उसको स्टॉप कर देता है। तो उसको बाईपास करने के लिए आपको कुछ अलग करना होता है, और मैंने बहुत सालों से अलग किया है, लेकिन मैंने कंसिस्टेंटली उस पर काम नहीं किया है। सपोज़ लुमिस मेथड मैं 2020 से मैंने स्टार्ट किया था लुमिस मेथड, लेकिन मैंने उस पर काम ही नहीं किया कंसिस्टेंटली। मैंने एक महीना काम किया, मैंने फिर ग्रिड मेथड पर रिलाई होके रखा है, फिर मैंने प्रैक्टिस नहीं किया। तो वो एक चीज़ है जो मेरे आर्ट को उतना डेवलप नहीं किया, कि मैं ग्रिड मेथड पर कंसिस्टेंट तो हूँ लेकिन मैं फ्री हैंड ड्राइंग में उतना कंसिस्टेंट नहीं हूँ। क्योंकि फ्री हैंड ड्राइंग अगर आप डेली स्केचेस करते हो तो आपको मालूम होगा कि डेली स्केचेस करना, अगर आप डेली 3-4 घंटे 2-3 घंटे स्केचेस करते हो तो एक टाइम के बाद वो बोरिंग लगता है स्केचेस। लेकिन स्केचेस ड्रॉ करना बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है एक आर्टिस्ट के लिए, तो वो बोरियत को मैं झेल नहीं पाता और मैं टॉपिक चेंज कर देता हूँ। मैं तभी ड्रॉ नहीं करता, मैं कोई एनिमे ड्राइंग पर शिफ्ट हो जाता हूँ, कभी मैं डिजिटल ड्राइंग पर शिफ्ट हो जाता हूँ, कभी मैं हाइपर रियलिज्म करता हूँ, कभी मैं रियलिस्टिक पर रहता हूँ, कभी मैं खुद का स्टाइल डेवलप करना चाहता हूँ। लेकिन आफ्टर ऑल दिस एक्सपीरियंसेस मैंने ये सोचा है कि अभी टाइम है कि मैं अपना खुद का स्टाइल डेवलप कर लूँ, क्योंकि एक टाइम के बाद वो ही बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अभी आप अगर जो एस्टेब्लिश्ड आर्टिस्ट है उन लोगों को देखोगे तो उन लोगों का खुद का एक स्टाइल है, तो और वो बहुत कामयाब भी है उनके स्टाइल्स के लिए। तो दैट्स इट। तो मैं अभी तो रियलिस्टिक ड्राइंग्स ही अपलोड करूँगा, और आगे जाके मैं शायद अपना जो स्टाइल है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। सो इस वीडियो में इतना ही। बक बक, मिलते अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय।